हम लोग तो जो ये धन चुराया गया है, जो ये लाखों करोड़ रुपए मनुवादी मानसिकता के लोगों ने चुराए, वो वापस ले लेंगे। लेकिन देश के लिए अच्छा हो रहा है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, ये असली देशद्रोही आगे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, गिरफ्तारियां दें, जेल भरो आंदोलन करें, तो रातों रात स्थिति बदल जाएगी, मनुवाद भाग जाएगा, अम्बेडकरवाद लागू हो जाएगा। कि जो लोग 7.5% भी ना होंगे, देश के 95% सभी संपदाओं पर कब्जा करके बैठे, देश की 95% सीटों पर कब्जा पर करके बैठे हैं, वो क्राइम है, अपराध है। हम चाहते हैं कि 100% आरक्षण होना चाहिए। उनकी जो है वो निचले स्तर पर चली गई है। बहुजन स्वाभिमान संघ और समता सैनिक दल ने आज आप देख रहे हैं कि नंद नगरी में इतना बड़ा एक बहुजन एक सम्मेलन कराया है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो अब ये चीज़ एकदम लोगों को एकदम साफ हो गई है कि इस देश में दो ही पक्ष हैं, एक मनुवाद, एक अंबेडकरवाद। और अंबेडकरवाद जो है 92.5% से भी ज़्यादा है, और मनुवाद मेरे ख्याल से 6-7% ही है। तो जितने ऐसे सम्मेलन होते जाएंगे, उससे एक जागरूकता बढ़ रही है, और जैसे ही ये जागरूकता बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ रातों रात परिवर्तन आएगा, और सत्ता जो है अंबेडकरवादियों के हाथ में आएगी। और फिर जो ये देशद्रोह हो रहा है आज, जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, जो ये छुआछूत दोबारा शुरू करने की कोशिश हो रही है, ये सभी समाप्त हो जाएगा, और भारत देश जो है, भारत वर्ष जो है, अंबेडकर साहब के सपनों का भारत वर्ष बनेगा, जिसमें सभी बराबर हैं, सभी का हक बराबर है, कोई अडानी अंबानी नहीं है, सभी लोग बराबर हैं, सबका हक बराबर, सब देश के मालिक हैं, और ये जो पदों पर बैठे लोग हैं ये देश के नागरिकों के नौकर यानी के सेवक हैं, ये बात क्लियर हो जाए। लेकिन जो सवाल वही है ना, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं, मिशन पे काम कर रहे हैं, राजनीति तो धरातल में चली गई। देखिए, सामाजिक अगर एकता बन जाएगी, राजनीति में आपसे कह रहा हूँ ना, रातों रात ठीक हो जाएगी। आज भी मनुवादी धोखाधड़ी करके भी ईवीएम के माध्यम से लोगों को जात पात पे और धर्म के नाम पे लड़ा के कितने वोट पाते हैं, कुछ भी वोट नहीं है ना। आज भी देश की मेजॉरिटी 2/3 लोग तो कम से कम इतनी सब धांधलियों के बावजूद भी 2/3 लोग मनुवाद के खिलाफ वोट देते हैं। लेकिन हमें जब हम 92% एक तरफ वोट देने लगेंगे, वो सामाजिक कार्यक्रमों से ही होगा, और इसीलिए ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों का हमें स्वागत भी करना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नेता जो हैं सामाजिक राजनीतिक दूसरे प्रोफेशनल्स आगे आएँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, गिरफ्तारियां दें, जेल भरो आंदोलन करें, तो रातों रात स्थिति बदल जाएगी, मनुवाद भाग जाएगा, अंबेडकरवाद लागू हो जाएगा। सर, आप लोग कहते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन कई बहुजन लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि जातिवाद इतना कर दो कि जो जातिवादी लोग हैं वो परेशान हो जाए। नहीं, जातिवाद हमारा बाबा साहब का मकसद जो क्या था, सभी लोग बराबर हैं ये स्थापित करना, कोई और मकसद नहीं है। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग देश के मालिक हैं, बराबरी से मालिक हैं। फिर आप अपने आप को किसी भी नाम से जानो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बात बुनियादी बात है। जो ये हकमारी होती है जाति के नाम पे, उसके बाबा साहब भी खिलाफ थे, उसी के हम सब खिलाफ। कि जो लोग 7.5% भी ना होके देश के 95% सभी संपदाओं पे कब्जा करके बैठे हैं, देश की 95% सीटों पे कब्जा पर करके बैठे हैं, वो क्राइम है, अपराध है। हम चाहते हैं कि 100% आरक्षण होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का जितना अधिकार है देश पे वो उसको मिलना। जो वर्तमान स्थिति आपको लगता है बदलाव होगा? मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में इतने ज़्यादा जो मनुवाद है उसकी जो एकदम चेहरा है बेनकाब हो चुका है, उसकी जो भारत के दुश्मन ताकतें हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इसराइल है, इसके साथ इनके जो रिश्ते हैं देश को कमज़ोर करने के, देश को धोखा देने के, देश की आम जनता का रोटी कपड़ा और मकान छीन के अपने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन को देने के लिए, चाइना को देने के लिए, पाकिस्तान को देने के लिए, इसराइल को देने के लिए, वो बेनकाब हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से ये अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। हम लोग तो जो ये धन चुराया गया है, जो ये लाखों करोड़ रुपये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने चुराए, वो वापस ले लेंगे।
लेकिन देश के लिए अच्छा हो रहा है कि इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, ये असली देशद्रोही। बेनकाब तो हो रहे हैं लेकिन मजबूत भी तो हो रहे हैं सर साथ के साथ। आपको लग रहा है मजबूत हो रहा है, ये बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। जितना ये जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं अम्बेडकरवादियों पर, उससे साफ जाहिर है कि कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, कितना ज़्यादा घबराए हुए हैं, कितने ज़्यादा ये एकदम निराश हो चुके हैं। हम लोग बहुत आशावान हैं, जल्दी मनुवाद एकदम टोटल देश से ख़त्म होगा और अम्बेडकरवाद स्थापित।